खुशामदेद व्यूज़ यूसुफ फूड एंड ट्रैवल पे। बड़े दिन हुए कोई वीडियो नहीं थी बनाई, मेरा कोई ऐसा चक्कर भी नहीं लगा कहीं। तो आज है 13 दिसंबर 2022 और मैं जा रहा हूँ बर्मिंघम लंदन से। तो मैंने कहा अच्छा जी व्यूज़, थोड़ा सा इशू था, दो लेन्स बंद की हुई थी इन्होंने मोटरवे की दूसरी तरफ। बर्मिंघम जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है यूके का और 2019 के सेंसस के मुताबिक 1.1 मिलियन की इसकी आबादी है। तो मेरे साथ रहिएगा, सफ़र की दास्तान और शहर थोड़ा सा आपको दिखाते हैं जी। ये पैनबरी है जगह का नाम, छोटा सा टाउन है और यहाँ पे एक क्विक स्टॉप करते हैं गाड़ी को चार्ज करने का। ये आगे लगाना है जी, अब वो कह रहा है प्लग इन करें, ये CCS कनेक्टर है। अब ये यहाँ पे स्टार्ट करेगा, अब ये चार्जिंग इसने स्टार्ट कर दी है। अब हम कोई कॉफ़ी शॉफी लेते हैं, मेरे ख्याल एक दफ़ा कनेक्शन हो जाए। जनाब कंट्री साइड ही है, बिल्कुल जमा हुआ है सारा कुछ, गाड़ी चार्जिंग पे लगा दी है। ये हमें नज़र आ गया कोस्टा, कोस्टा से कॉफ़ी लेते हैं और फिर इधर ही आ जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाएंगे। मैं दानिश भी है, हेलो दानिश। तो ये अपने काम पे जा रहा है और मुझे भी कुछ काम है बर्मिंघम में, तो आपको बर्मिंघम दिखाते हैं। प्रीमियर इन भी है यहाँ पे, कोस्टा ड्राइव थ्रू एंड रेस्टोरेंट। आए अंदर से देखते हैं। अच्छा जी, मैंने ले ली है कैपेचिनो एंड दानिश ने ले ली है कैरामेल लाटे, राइट। चलो जी लेट्स, ये गाड़ी के पास और तैयारी करिए आगे बर्मिंघम की तरफ कीजिए। दानिश को उतारना है उसके काम पे और फिर मैं अपने काम में बिजी हो जाऊंगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। कल तो बहुत दिन बिजी गुजरा, आज 14 दिसंबर सुबह तकरीबन 8:45 का टाइम है। मैं इस वक्त अपने होटल में हूँ, आपको कमरा दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये प्रीमियर इन है रूबरी में, B45 का पोस्ट कोड है बर्मिंघम का। बहुत ही खुला और अच्छा कमरा, पुराना बना हुआ है, थोड़ा सा इसमें वो नहीं है उस तरह की के स्प्लिट यूनिट वगैरह लगे हुए, एयर कंडीशनिंग एंड ऑल दैट, लेकिन -4 डिग्री में तो ये हीटर ही ज़बरदस्त है। तो ये सोफ़ा बेड, सोफ़ा भी रखा हुआ है, ये बेड भी बन सकता है। और डबल रूम मैंने बुक किया था, डबल रूम में ये डबल बेड है और अटैच बाथ, ये इसका बाथरूम साफ सुथरा सा, शावर मैंने ले लिया, अच्छे साइज का बाथरूम। और अब आपको विंडो से थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ कार पार्क का। ये है जनाब विंडो, ये सामने मेरी गाड़ी खड़ी है और ये पार्किंग जो है ये होटल के साथ रजिस्टर करके फ्री हो गई है। और इसमें मैंने ब्रेकफास्ट भी लिया हुआ है, तो वन नाइट के डबल रूम का इन्होंने जनाब मुझे ये इन्होंने दिया है, कितने का, 94 पाउंड का। तो मैं ज़रा नाश्ता कर लूँ फिर आपको बाहर से दिखाते हैं। कॉरिडोर है, नीचे रिसेप्शन है, इधर से एंट्री मेरे कमरे की, ये कॉरिडोर की एंट्री, फिर साथ ही कमरा है वहाँ मेरा। तो ये इनकी रिसेप्शन है,
वेंडिंग मशीन वगैरह भी लगी हुई है जी, क्योंकि क्रिसमस टाइम है तो ये क्रिसमस ट्री भी लगा हुआ है। ये इनकी रिसेप्शन, बड़ी ज़बरदस्त। और अब मैं ज़रा ब्रेकफास्ट की तरफ चलता हूँ। ब्रेकफास्ट दूसरी साथ ही रेस्टोरेंट है, ये कार पार्क, इसकी इधर पीछे से एंट्रेंस से कहते हैं, वहाँ जाके हम नाश्ता कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया थोड़ा सा, बड़ा खूबसूरत इधर भी ये है। अब रेस्टोरेंट में जाके तो देखते हैं नाश्ते में क्या है। रेस्टोरेंट काफ़ी ज़बरदस्त, होटल के साथ ही है, इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर कर दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा ये आपको बार वगैरह दिखा दूँ। यहाँ पे ये अवेलेबल है, फ्रूट्स एंड जूसेस, कॉफ़ी मशीन्स हैं। और अभी आपको दिखाता हूँ, ये एज यूजुअल थोड़े से जैम, मार्जरीन्स, ब्रेड, क्रोसन्स। सो टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेक की मेन रिसेप्शन ऑफ ब्रेकफास्ट। शेफ्स काउंटर दे कॉल इट, एंड बार जो है वो सॉरी मैं ना अपनी वो स्टिक लाना भूल गया, तो उम्मीद है इस तरह भी ठीक ही नज़र आ रहा होगा। अभी मैंने ऑर्डर कर दिया जी, थोड़ा सा एग एंड हैश ब्राउन, फ्राइड एग, हैश ब्राउन एंड वेजी सॉसेज, ऑरेंज जूस ज़बरदस्त है। और साथ में जो है एक क्रोसन ले आया हूँ जब तक मेरा एग रेडी होता है जी। बटर जैम लगा दिए हैं, टोस्ट किया है टोस्टिस को, वेट कर रहा हूँ अभी तक अपने बाकी ब्रेकफास्ट का, वो आता है तो दिखाता हूँ आपको। हमारा ब्रेकफास्ट बन के आ गया, फ्राइड एग, बीन्स, हैश ब्राउन एंड वेजी सॉसेज। तो अब ये ज़रूरी काम कर ले, मिलते हैं नाश्ते के बाद। तो जी ब्रेकफास्ट के तो 100 out of 100, होटल के भी 100 out of 100। अब आपको ज़रा बाहर से होटल दिखा देते हैं। ये है प्रीमियर इन, इसकी बाहर का व्यू। और इस वक्त सुबह के 9:25 हुए हैं और ये हालत है गाड़ी की। अभी मैंने चेकआउट नहीं किया, चेकआउट जो है वो 12 तक कर सकता हूँ। आज मेरा ज़रा इजी डे है तो मैं आराम से निकलता हूँ। अब आपको दिखाते हैं बाकी आज का सफ़र। उम्मीद है आज मेरे पास टाइम होगा, मैं थोड़ा सा आपको बर्मिंघम की सैर भी शायद करवा सकूं। मेरे साथ रहिएगा, जाइएगा मत जी। व्यूअर्स, यहाँ से होटल से चेकआउट, रूबरी को खुदा हाफिज। और अब मैं जा रहा हूँ डडली, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं रास्ते में रूबरी की खूबसूरत कंट्री साइड। टेम्परेचर इस वक्त मेरी गाड़ी बता रही है -1। इस वक्त इस ब्रिज के नीचे M5 मोटरवे के ऊपर से गुजर रहा हूँ। बस ये मौसम भी ऊंचा नीचे चल रहा है और सड़कें भी ऊंची नीचे चल रही हैं। वाह, ये दोनों चार्जर बिजी हैं, ओपन रीच वाले बैने लगा के बैठे हैं जी। व्यूअर्स, मैं इस वक्त हूँ बर्मिंघम की एक बहुत बड़ा मॉल है, मैरी हिल, ब्रेरी हिल का एरिया है। मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाता हूँ, काफ़ी बहुत ही बड़ा मॉल है और काफ़ी मशहूर है ये यहाँ के लिए। बहुत सारे लोग जो बर्मिंघम को थोड़ा सा जानते हैं वो उनको आइडिया है, इसमें अगर आप एक दफ़ा घुस जाएं तो दिस इज़ ह्यूज। ये मुझे नॉर्थ अमेरिका, जब मैं कनाडा अमेरिका के टूर पे गया था तो मैंने कुछ आपको जगह दिखाई थी, ये बिल्कुल उस तरह का इतना बड़ा एरिया है, तो मैं तो बहुत ही फैसिनेट हुआ हूँ। ये तो एक साइड से दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा इसकी एंट्रेंसेस तो बहुत सारी हैं
ये इसकी ज़रा मेन एंट्रेंस है। मैंने कहा चलो इधर से थोड़ा सा इसको अंदर से सारा घूमना तो ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं। ये एक और ही बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू इस मॉल का। ये अब दूसरी तरफ आ गया हूँ। यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं गिनवाई नहीं जा सकती। इवन टिम होटन भी है यहाँ पे, टिमीज। और इधर मैंने कल वो लिडल का चार्जर, एक पॉट पॉइंट का है, और थोड़ी चार्ज भी की थी घड़ी। और ये टीके मैक्स और लिडल भी है। तो पूरा राउंड दिखा दिया आपको। सीढ़ियाँ चढ़ के आए हूँ, सांस चढ़ गए। बहुत ही ज़बरदस्त मॉल है भाई। ये एक और साइड है जी इस मॉल की। मैंने कहा ये भी थोड़ा सा आपको दिखा दें, इसकी ज़रा हजम का अंदाज़ा आप लगाएं। सॉरी, सूरज पड़ रहा है सामने से। ये इधर करीज है, मैकडोनल्ड्स है, और वो सामने टिम हॉटन में आपको ज़रा करीब से दिखा दें जी। टिमीज इन बर्मिंगम, जस्ट नेक्स्ट टू मैकडोनल्ड्स, बिल्कुल ही। टिम होटल ड्राइव थ्रू भी है और पूरा रेस्टोरेंट भी है। व्यूअर्स, अब जा रहा हूँ अपने दोस्त को पिक करने, थोड़ी देर में आपकी मुलाकात कराते हैं। उम्मीद है ये पार्ट भी आपको पसंद आया होगा, इसका अपना मैरी हिल मॉल का। तो मुलाकात करते हैं और फिर लंदन की तरफ रवाना दवाना होते हैं। व्यूअर्स, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने एक दोस्त से आपकी मुलाकात कराऊँगा, और अभी हम इस व्लॉग को थोड़ी देर में ख़त्म करेंगे। ये मुझे थोड़ा सा बर्मिंगम का आपको और मुझे इन्फॉर्मेशन भी देंगे, तो मुलाकात करते हैं। ये वालेकुम सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले शुक्र है अल्लाह का जी। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अली का, इसने बड़ा टाइम दिया कल मुझे, बड़ा मेरा काम था ज़रूरी, उसमें बड़ी बड़ी हेल्प की है। तो अब हम निकलते हैं और थोड़ी देर में ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, तो अली भाई से इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे। मेरे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। लो जी व्यूअर्स, हमारा अब सफ़र शुरू हो गया है सोली हिल तक का। तो हम इस वक्त अली डडली के एरिए में हैं। हम डडली के टाउन ब्रायली हिल में, ब्रायली हिल में। लीजिए, ब्रायली हिल का एरिया है, और ये अब हम थोड़ा सा ना आपको मज़ीद दिखाते हैं और अली से पूछते हैं। ये वेस्ट बर्मिंगम बनता है जहाँ पर आप रहते हो? वेस्ट बर्मिंगम है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये DY5 बर्मिंगम डडली से हम निकले हैं, बरेरी हिल से। तो किस, हम बाहर मोटरवे से नहीं जा रहे अली, तो आप हम कौन कौन से एरियाज में से गुजर के जाएंगे? हम अब जाएंगे जी यहाँ पे जो बिल्कुल लोकल है, क्रेडली हीथ है। क्रेडली वो जो है डडली की और उसकी एक दूसरी बारो है, उसको क्या कहते अच्छा वो डिफरेंट बारो है, कोई बात नहीं, बाउंड्री है बारो की ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे क्रेडली हिल से, यहाँ से राइट करने। अच्छा, क्योंकि सॉरी रास्ता भी मैं अली से ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये नेविगेशन तो बहुत ही लंबे रूट से ले जा रहा था, तो यहाँ का लोकल बंदा मिल गया हमें, और वो जो है ना वही काम कर रहा है जो हम अक्सर लंदन में करते हैं। तो क्रेडली हिल से हम जाएंगे क्विंटन की तरफ। क्विंटन, ओके। हेल्जोविन हाँ, मैंने देखा था एक जगह मैं गुजरा था। ओके ओके ओके, उधर से होते हुए तो हम सोलील में गुजरेंगे, उधर से हम जाएंगे फिर हैगली रोड वेस्ट, बड़ा पॉपुलर रोड है। अच्छा, उस रोड पे एजबस्टन स्टेडियम इंटरनेशनल की भी एंट्रेंस। अच्छा, एजबस्टन की भी उस तरफ से एंट्रेंस है। अच्छा अच्छा अच्छा, लो सही। हम जो है ना साउथ वेस्ट बर्मिंगम से साउथ से होते हुए नीचे सोलील जाएंगे, राइट? ऐसा ही है ना जो मुझे समझ आई है इस एरिए। लो जी, ज़बरदस्त हो गया। अब दोस्तों बहुत शुक्रिया, आज के व्लॉग को अब ख़त्म करते हैं। कोई मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपने इसमें से गैदर की होगी। अली का एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। और जज़ाकअल्लाह जनाब, थैंक यू वेरी मच। तो ज़रूरी काम कर लें जी, अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अली भाई आप कहें, शायद लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और क्या बात है जी, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, इंशाल्लाह।